नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की। आपने देखा होगा कि आरआरबी एएलपी की जो भर्ती है वो रेलवे की तरफ से निकल चुकी है, उसके फॉर्म भी यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लीट हो गए हैं और तकरीबन 19 लाख से 20 लाख के बीच में आपके टोटल फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म तो आपने भर दिया लेकिन अब आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आरआरबी एएलपी की एग्ज़ाम डेट का, कि आरआरबी एएलपी की एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो ऑफिशियली मैं आपको बताने वाला हूं कि किस महीने के अंदर आपका सीबीटी 1 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में क्या नया बदलाव किया गया है वो भी दोस्तों हम देखेंगे कि पिछली बार 2018 में जो एएलपी और टेक्नीशियन की साथ में भर्ती आई थी और इस बार एएलपी और टेक्नीशियन की अलग अलग भर्ती आई है, तो स्पेशली एएलपी भर्ती में क्या यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और दोस्तों आप भी रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ या रेलवे में आने वाली ग्रुप डी एनटीपीसी की, तो उसमें देखिए रेलवे के सिलेबस में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस। और इसमें दोस्तों आपको तीनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तीनों का अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी का जो सिलेबस है उसको दोस्तों आप अलग से यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी तक आपने रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो दोस्तों नहीं परचेज किए हैं तो दोस्तों आप ले सकते हैं। रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके लिए दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली ये वाली बुक ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। इसमें दोस्तों रेलवे के जो रिसेंटली जो एग्जाम हुई है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी की हो, एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुई है उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इस प्रकार आप जो है रीजनिंग की ये वाली बुक ले सकते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे अभी तक की जो भी एग्जाम हुई है। और इसी प्रकार से आप 27,000 प्लस फैक्ट के साथ आने वाली जीके की ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जो आपकी सक्सेस में 4 चांद लगा देगी। तो अभी तक आपने किसी प्रकार की बुक परचेज नहीं करी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से इनको मंगवा सकते हैं या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि इस बार जो एएलपी का पेपर होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और फिर हम आपको एग्जाम डेट यहाँ पर बताएंगे। तो इस बार देखिए दो पेपर होने वाले हैं आपके एएलपी में, ध्यान रखना। टेक्नीशियन में एक ही होने वाला है लेकिन एएलपी के अंदर दो पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। और पहला जो पेपर होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा, ठीक है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर बता रखा है देखिए कि सीबीटी 1 के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। सीबीटी 1 जो आपको क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद मेन पेपर होगा सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो होगा वो 260 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। और सिलेबस आप देखेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और दोस्तों आपके जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आने वाली है, यानी कि इसमें आपका टेक्निकल जो पार्ट है बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आती थी वो दोस्तों हटा दी गई है, तो इस बार आपको ध्यान रखना है आपको इसकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, ठीक है। और इसमें बेसिक साइंस देखिए पार्ट वन के अंदर आएगा बेसिक साइंस, ओनली साइंस आएगा, मतलब इंजीनियरिंग नहीं आएगा सीबीटी 1 जो होने वाला है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सीबीटी 2 जो होने वाला है वो दोस्तों आपका होगा मेन पेपर, इसमें दोस्तों आपके दो पेपर होंगे पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होने वाला है वो 100 क्वेश्चन का होगा, 90 मिनट मिलेंगे, पार्ट बी जो होगा वो 260 मिनट का होने वाला है, 75 क्वेश्चन मिलेंगे और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। सेकंड पेपर जो होगा पार्ट बी वो क्वालिफाइंग इनिशियल का होगा, 35% मार्क्स लाना जरूरी होगा। और इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है और इसमें आप बेसिक साइंस के साथ इंजीनियरिंग का कुछ चैप्टर भी आने वाला है, ठीक है। और सिलेबस जो आपका पार्ट बी होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों एग्जाम डेट के ऊपर। एग्जाम डेट के लिए यहाँ पर देखिए, थोड़े दिन पहले जो आरआरबी मुजफ्फरपुर है उसके चेयरमैन ने यहाँ पर ऑफिशियली बताया था कि कब आपके एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो उसको हमको सच मानना है क्योंकि रेलवे का ऑफिशियल जो है चेयरमैन है वो दोस्तों यहाँ पर जवाब दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है, कोई पेपर कटिंग है या कुछ नहीं है। जब रेलवे का अध्यक्ष, आरआरबी का अध्यक्ष आपको बता रहा है तो दोस्तों आप उसको सच मान सकते हैं। बाकी देखिए अभी काफ़ी दिन है तो आपको ऑफिशियल नोटिस जल्द वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जाम डेट के बारे में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 01/2024 है
उसकी जो फॉर्म भरने की डेट थी आपको पता होना चाहिए कि भाई 20 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे फॉर्म भरना, और इसकी जो है 19/2/2024 लास्ट डेट थी, ठीक है, 19/2/2024 लास्ट डेट थी, एक महीने का टाइम मिला था। और इसमें देखिए इन्होंने क्लियर बताया है कि आपकी जो CBT-1 है वो दोस्तों जून और अगस्त 2024 में निर्धारित की गई है। ये देखिए टेंटेटिवली है, मतलब 100% तो नहीं है लेकिन रेलवे टेंटेटिवली आपको बताता है। तो यहाँ पर आपकी जो CBT-1 होने वाला है ALP का, वो दोस्तों जून और अगस्त के बीच होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपके पास देखिए मार्च लगभग खत्म हो गया है, अप्रैल मई और जून में तो एग्जाम होगी, तो आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं दोस्तों। और देखिए जून और अगस्त के बीच होगी तो अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बाद में इन्होंने बताया कि CBT-2 जो होने वाला है वो आपका सितंबर 2024 में आपका निर्धारित है, यानी कि सितंबर 2024 में आपका CBT-2 हो जाएगा। और आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्योंकि साइको टेस्ट भी होने वाला है आपके ALP एग्जाम में, तो वो दोस्तों आपका नवंबर 2024 में होगा। और साइको टेस्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है उसके लिए लिस्ट जारी जो होगी वो दोस्तों आपके दिसंबर 2024 में हो जाएगी। यानी कि पहली बार रेलवे ने जो अपना एनुअली कैलेंडर जारी किया है उसमें ये टाइम टेबल दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से रखा गया है। तो बाकी देखिए ये फॉलो होता है नहीं होता है, बाकी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये फॉलो यहाँ पर होगा। नोटिस भी आपको जल्द मिलेगा। अभी देखिए फॉर्म आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, अभी जो आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस आने वाला है, एप्लीकेशन स्टेटस में आपको ये पता लगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एग्जाम के बारे में आपको सूचना मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों यही है कि आपकी जो एग्जाम है जून से स्टार्ट होंगी और वो अगस्त तक टेंटेटिवली आपकी चलने वाली है CBT-1 की, ठीक है। बाकी देखिए रेलवे का कोई भी अपडेट आएगा एग्जाम संबंधित उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम आपको कोई भी नोटिस आते हैं उसको डाल देते हैं, तो उसको ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।